हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार से प्यार। तो भाइयों, मैंने जो ड्राइविंग के ऊपर जो वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया था, उस वो वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसे मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है ना। तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि भैया आप क्यों नहीं, भाई आप क्यों नहीं लेफ्ट साइड जो होता है, जैसे मैं अभी लेफ्ट में ये को पैसेंजर साइड, लेफ्ट साइड साइड जो जजमेंट होता है वो बहुत किसी को दिक्कत होती है, या फिर जो जो होता है ना, जो बेसिक्स जो होता है गाड़ी का, उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है लेफ्ट साइड जजमेंट का, ठीक है। क्योंकि जो नए नए जो बिगनर्स होते हैं वो लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें, कि हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग तो ये वाली ड्राइविंग सीट में बैठ गए, अब इधर क्या है इधर क्या नहीं है, है ना। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि नई नई गाड़ी में आगे का जो फेंडर है वो टकराया हुआ होता है, वो दबा हुआ होता है, या फिर उसमें स्क्रैच होता है। तो वो क्यों होता है, वो आपका क्या होता है कि जैसे नई नई हम लोग गाड़ी लेते हैं, हम लोग गाड़ी आती नहीं, वही गाड़ी से सीखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस लग जाता है, ठीक है, मतलब हम लोग का जो आगे वाला जो क्वार्टर पैनल होता है वो पूरा घिस जाता है, या फिर पूरा स्क्रैच लग जाता है। तो भाइयों, आप लोग का ये जो लेफ्ट साइड जजमेंट है, वही वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ, है ना, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत प्रो बन जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ एक बेसिक नॉलेज आ जाएगी कि आप लोग लेफ्ट साइड जजमेंट आप लोग कैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो उन लोग के लिए यूजफुल रहेगी जो अभी नई नई गाड़ी सीख रहे हैं, या फिर जो एक मन बना रहे हैं और मन बना रहे हैं, जैसे जिनका मन है कि भाई हम सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे, और उन्हीं में से किसी का मन है कि भाई हम फर्स्ट हैंड गाड़ी लेंगे और उसमें सीखेंगे, लेकिन अंदर से उन लोग को ये भी डर लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग की जो गाड़ी है वो हम लोग के आगे से लड़ ना जाए, क्योंकि हम लोग को अभी सही से आती नहीं है। तो भाई ये उन लोग के लिए है ना, ये ओनली फॉर बिगनर्स है, और जिन लोग को आती है वो भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी मतलब आपको जो डर है ना अंदर का, सब निकल जाएगा ये वीडियो में। तो चलिए भाइयों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, है ना, लेफ्ट साइड जजमेंट ऑफ द कार। तो भाइयों, अब मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या टिप्स आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको सबसे पहले आपको कौन सी टिप्स है जो आपको लेफ्ट साइड जजमेंट के लिए आपको फॉलो करनी है। तो भाइयों, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को अपना जो दोनों जो मिरर है, लेफ्ट साइड का राइट साइड का, उसको हम लोगों को सेट कर लेना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इजी है सेट करना, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे, है ना, दाएं बाएं, आपको जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको दोनों को सेट कर लेना है, और अपना IRVM, ठीक है। और आपको अंदर से अपनी गाड़ी की जो जजमेंट है आपको उसको देखना है कि आपका डैशबोर्ड आपका कितना ज्यादा है, ठीक है, और आपका सामने से गाड़ी का बोनेट आपका कितना आपको विजिबल है, ठीक है। जैसे आप देख रहे थे ये हैचबैक है, ठीक है, और इसका बोनेट बहुत कम विजिबल होता है, ठीक है, बहुत कम। और एक बार पीछे से भी आपको अंदर से एक बार गाड़ी को देख लेना है कि क्या गाड़ी की विजिबिलिटी है अंदर से, है ना। और मतलब जैसे आपको क्या फील कर रहा है ना, कि ये जो गाड़ी, आप एक गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप समझिए कि आप खुद कहीं जा रहे हैं, आपको दूसरों से आपको बच के चलना है, आपको भी बचाना है और उनको भी बचाना है। तो भाई ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अगर ये सोचेंगे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप खुद कहीं चल रहे हैं और आपको लेफ्ट या राइट साइड अपने आपको देख करके चलना है। तो भाइयों, अब मैं गाड़ी को रोड में लेकर के जाऊंगा, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ऐसा रोड चुनिए जिसपे वो जो व्हाइट वाली जो पट्टी होती है, मार्किंग होती है, और जो खाली रास्ता है, ठीक है। और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, अगर हम लोग हफ्ते हफ्ते में गाड़ी छुएंगे, तो फिर भाई ये नहीं होगा, ठीक है। आप जितना गाड़ी चलाएंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा सीखेंगे, और आपको सबसे पहले खाली रोड आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब रोड में चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी को मेन रोड में लेकर के, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो गाड़ी है वो आपको दो पार्ट में आपको डिवाइड करनी है, मतलब डिवाइड करनी है दो पार्ट में। जैसे मान लीजिए आपका जो पूरा जो डैशबोर्ड है, इसको आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट साइड में आपको इसको डिवाइड करना है। जैसे आपको जो बगल में जो सामने जो है, ये जो ये जैसे ये क्या है कि ये सेंटर पॉइंट है गाड़ी का, ठीक है। तो इसको आपको आपको डिवाइड कर लेना है, जैसे इतना हो गया, ये मेरा हो गया राइट पार्ट, और यहां से लेके वहां तक मेरा हो गया लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो आपको ये दो पार्ट में आपको अपना डिवाइड कर लेना। और भाइयों, फिर आप लोगों को क्या देखना है, जैसे ये आपने राइट पार्ट अपना वाला जो ड्राइविंग सीट वाला है, ये आपका राइट पार्ट हो गया, और जो को ड्राइवर वाला है जो इनका है, ये हो गया लेफ्ट पार्ट, ठीक है।
अब मैं इनसे ही पूछूंगा कि जैसे मान लीजिए मेरे को क्या है, अब जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे सामने एक अंकल चल रहा है और ये अंकल बहुत अच्छे हैं, ये हेलमेट लगा के चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और ये हैवी ड्यूटी जो बाइक है 100 cc उसमें हेलमेट लगा के चल रहे हैं, तो ये बहुत एक सीखने वाली बात है, ठीक है। तो वो सब तो बात की बात है, लेकिन जैसे मान लीजिए मेरे सामने के अंकल चल रहे हैं, ठीक है, बाइक से, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या है कि ये थोड़े लेफ्ट में दिख रहे हैं, ठीक है, और अब मैं इनसे पूछूंगा कि इनको वो लेफ्ट में दिख रहे हैं कि वो इनको सीधा दिख रहे हैं, आपको कैसा दिख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट दिख रहे हैं, क्योंकि ये बैठे हुए हैं मेरे लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब ये मेरे से ज्यादा अच्छा जजमेंट कर पा रहे हैं स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है, कि मेरी गाड़ी ये अपना जो है पूरा ये आप पिलर देख पा रहे हैं ये, और मैं क्या हूं, मेरा अपने जैसे मैंने बताया कि ये जो सेंटर पॉइंट है मेरे को इसको देखना है, तो आप देखिएगा खुद ये सेंटर पॉइंट के एकदम स्ट्रेट चल रहे हैं अंकल, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आपको लगेगा एकदम स्ट्रेट चल रहे हैं, देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं एकदम स्ट्रेट चल रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी बोलेगा स्ट्रेट चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है, लेकिन मैं अगर यहां से देख रहा हूं तो ये मेरे लेफ्ट चल रहे हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोग अपना सेंटर पॉइंट देखना है, ठीक है, आप लोगों को क्या है ना, आप लोगों को अपना सेंटर पॉइंट देखना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति है, ठीक है, तो आप इनको आप कोई चीज को अपना जो है ना सेंटर पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि जो सेंटर पॉइंट है अगर कोई इसको चीज अगर मान लीजिए क्रॉस कर गई तो दैट मींस आप वो चीज को आप क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ आगे चल के, अब भाई जैसे क्या कि मेरे सामने एक बाइक चल रही है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है ना, अब देखिए जैसे ये एकदम मेरे एकदम सामने है और मेरे तरफ से स्ट्रेट है और मतलब मेरे तरफ से एकदम आपका जाके लेफ्ट पोजीशन में, ठीक है, और ये जो भाई है को पैसेंजर साइड में इनके तरफ से एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये अपनी मूर्ति देखना है, ठीक है, अभी एकदम मूर्ति के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपको एकदम सटा करके निकालना है, ठीक है, और जैसे ही ये मूर्ति के लेफ्ट साइड आ गई तो दैट मीन्स आप ये क्रॉस कर जाएंगे। ये देखिए एकदम गाड़ी एकदम सटा करके निकली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आगे भी चलते हैं, आगे जाके मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ सेंटर पार्ट को देख के एकदम सटा करके निकालूंगा, देखिए एकदम साइड से आगे गाड़ी निकलेगी, ठीक है, क्योंकि आपको टायर पोजीशन अपना इंडिकेट करना है कि मेरा जो टायर है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मेरा टायर एकदम व्हाइट पट्टी में होगा, मैं आपको एक सेकंड में आपको नीचे मैं आपको दिखाता हूँ उतर करके, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए मैंने अपनी गाड़ी रोक ली, मैं आप लोग को उतर के एक सेकंड दिखाता हूँ। ये देखिए भाई मेरा एकदम जो व्हाइट है व्हाइट पट्टी में मेरा टायर, ठीक है, देखिए यही चीज मैं आप लोगों को बोल रहा था, ये आप देखिए एकदम व्हाइट पट्टी में है मेरा टायर। तो ये चीज क्या ना, ये चीज आपको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आएगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और सबसे अच्छा पॉइंट मैं क्या बोलूंगा, आपको क्या करना, आपको कहीं खाली आपको कोई जगह में चल जाना है और आपको कोई ईटा या फिर कोई पत्थर वो आपको आगे रख के उसमें गाड़ी आपको चढ़ा करके देखना है, ठीक है, मैं भी आपको अभी वही करके दिखाऊंगा। तो भाइयों आपको सबसे पहले जो मैंने जो पॉइंट बताया था, आपको अपना जो स्टेयरिंग है और आपको जो अपना जो व्हील है वो आपको देखना है, उसका आपको जजमेंट कर रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। अब जैसे देख लीजिए ये जो मेरी जो ये व्हाइट जो लाइन है, जो व्हाइट जो पट्टी है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि अब मेरा जो टायर है मेरा जो चक्का है वहां जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा मैं व्हाइट लाइन में लेकर के चलूंगा और मेरी गाड़ी उसी में रहेगी। तो भाइयों आप लोगों को कहीं खाली रोड में जिसमें ये वाली जो मार्किंग हो, मैं सच बता रहा हूं अगर आप डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ये वाली अगर आप लाइनिंग में ना, तो मैं सच बता रहा हूं आपका जो लेफ्ट साइड वाला जो आपका जो जजमेंट की जो दिक्कत है वो आपकी यूं आपकी सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आप जो आपकी जो पोल आप देख रहे हैं छोटा सा, ठीक है, जिसमें जो मार्किंग जो बनी होती है, ये मेरे को अभी मेरे हिसाब से ये मेरे को मेरे लेफ्ट में दिख रहा है, ठीक है। और अगर जो को पैसेंजर में बैठेगा इनको ये एकदम स्ट्रेट दिख रहा है आपने, ठीक है, आपको दिख रहा है स्ट्रेट, है ना। हाँ तो अब मैं आपको उतर के दिखाता हूं आपको क्या करना है।
अब ये जो आप व्हाइट पट्टी आप देख पा रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका टायर आपको मेजर करना है, ठीक है। मतलब मेन आपको देखना है कि मेरा जो लेफ्ट साइड का जो टायर है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, वो किस साइड जा रहा है, वो राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्या है आप अपना जो पिलर है आप उसको आप देख सकेंगे कि आपका जो पिलर है वो आप लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है। अब मैं अपने भाई से बोलूंगा कि एक जो ईटा है फिर एक पत्थर होता है वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा। और आप लोगों को भी यही करना, आपको एक क्या करना, आपको एक ईटा पत्थर रख देना और उसमें अपनी गाड़ी को आपको चढ़ा करके देखना है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप सही से अगर आप चढ़ा रहे हैं दैट मीन्स आप करेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो भाई आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो पत्थर है मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या है, मैं अपनी गाड़ी को लाऊंगा और आपको भी दिन भर यही प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप हफ्ते भर में एक बार प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, आपको डेली आपको ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए ये मैंने पत्थर रखा है, अब मैं गाड़ी लेकर के आऊंगा और आपको देखना है कि आपकी गाड़ी ये पत्थर में चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको एक पत्थर ले लेना है, ठीक है, और उसको आपको आगे रखना है और उसमें आप लोगों को देखना है कि आपकी गाड़ी आपकी चढ़ रही है या फिर नहीं चढ़ रही है, और वही पत्थर से ही आपको प्रैक्टिस करना है। कोई आपको एकदम खाली जगह में, एकांत जगह में जा करके, जैसे कोई जो खाली मैदान नहीं होता है इस टाइप का, आपको जा करके आपको गाड़ी को आपको वैसे ही आपको चलाना है, ठीक है। तो भाइयों मैंने जैसा कि बोला था कि मेरे जो चीज है वो लेफ्ट में दिखेगी, ठीक है, और अगर मैं यहां से देखूंगा तो आपको वो स्ट्रेट आपको दिखेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक सेंटर वाला पॉइंट आपको कर लेना है, और अगर इससे अगर वो जो चीज चल रही वो क्रॉस कर गई दैट मींस आप इजिली आपने जो अपना जो लेफ्ट वाला जजमेंट आपका हो चुका है। देखिए जैसे ये यहां आप देखिएगा, ठीक है, अब मैं एकदम सटा करके निकालूंगा, ठीक है। अब देखिए गाड़ी एकदम सटा करके निकली और मैंने इन्हें क्रॉस कर लिया, ठीक है। वैसे ही मैं आगे भी चलता हूं, मैं आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ कि आप किस किस सिचुएशन में आप जो लेफ्ट साइड जजमेंट है उसमें आप एकदम प्रो आप बन सकते हैं, ठीक है। तो साहब जो बैठे इनका पैर बाहर निकला हुआ है, तब भी मैं अपनी जो गाड़ी है मैं एकदम अच्छे से देखिए इनका कितना पैर बाहर निकला हुआ, मतलब बाइक से भी इनका पैर बहुत बाहर निकला हुआ है। और जो बेसिक जो ड्राइवर होते हैं ना, जो लोग को एकदम नया नया जिन लोगों ने गाड़ी सीखी है वो क्या करते हैं कि इसमें वो सटा देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं है। तो आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे खाली रोड में या फिर ऐसी रोड में जो आपका ये जो आपका पैच है एक तरफ आने का एक तरफ जाने का सिंगल रोड में, ठीक है। तो देखिए अब मैं चलता हूं और मैं इनको भी मैं क्रॉस करके दिखाता हूं। तो देखिए अब ये मेरे इस साइड है और एक बार अगर ये इधर से अगर ये क्रॉस कर जाएंगे दैट मीन्स आप समझिए आपका लेफ्ट साइड जो जजमेंट है वो हो गया। देखिए ये देखिए मैंने एकदम सटा के निकाला और ये बाइक जो है वो क्रॉस हो गई। फिर से मैं दिखाता हूं, ये मैं निकालूंगा और ये मैं क्रॉस कर लूंगा। ये देखिए आपको क्या करना है ना, आपको ऐसे ही खुले रास्ते में रह करके आपको अपनी गाड़ी को ऐसे ही टाइप के रास्ते में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए बाइक से कितने बगल से होकर के मेरी गाड़ी निकलेगी, ठीक है। फिर से मैं दिखाता हूं आगे, ये जो बाइक चल रही है इससे मैं क्या है, फिर से ये मेरे लेफ्ट में आ गई और ये इनके एकदम स्ट्रेट में बाइक चल रही है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि ये मेरी जो आप गणेश जी को देखिएगा, ठीक है, यहां मूर्ति को आप देखिएगा, मेरे को क्या करना है कि ये अभी ये गणेश जी के लेफ्ट में है, अब देखिए धीरे धीरे ये लेफ्ट में हो रही है और मैं एकदम सटा करके ये जो है ये मैं क्रॉस कर चुका हूं मैं, ठीक है। अब देखिए फिर से मैं इनको आगे जाने देता हूं। भाई वो वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है इसके लिए प्लीज सॉरी, आप लोग मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं कि आप लोग का हर जो डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूं, है ना। ये देखिए ये अभी फिर से आगे निकले और मैं अभी फिर से इनको ही एक एग्जांपल के तौर पे इनको ही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब जैसे देखिए ये अभी मेरे लेफ्ट साइड है, ठीक है, और अभी क्या धीरे धीरे आपके गणेश जी को देखिएगा। अब जैसे ही ये मूर्ति से इधर लेफ्ट निकलेंगे दैट मींस आपका लेफ्ट साइड जजमेंट आपका पूरा हो गया। ये देखिए फिर से हम लोग ने इनको क्रॉस कर दिया।
तो भाइयों वही है ना, आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका लेफ्ट साइड जजमेंट उतना ही अच्छा हुआ। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि आपको ये आपको डिवाइड करना है दो भाग में, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ठीक है, दो भाग में आपको डिवाइड करना है। और आपको एक बार अपना डैशबोर्ड अच्छे से देख लेना है कि आपका जो डैशबोर्ड है वो कितना आपका चौड़ाई में है, ठीक है। और आपको अंदर से क्या करना है वो दूसरे वाले पॉइंट में, आपको अपना जो बोनट है, मेरा बोनट आगे कितना निकला है, मेरी गाड़ी का आगे पीछे आपको पूरा आपको देख लेना है कि क्या आपका जो डायमेंशन है पूरी गाड़ी का, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको एक ईटा या फिर आपको एक पत्थर लेना है और उसको आपको ऐसे ही कोई सिंगल या खाली सड़क में, खाली सड़क में रख करके उसको आपको एक बार बस आपको टायर में आपको चढ़ाना है। अगर नहीं चढ़े तो फिर से आपको बार बार उसको चढ़ा करके आगे पीछे करके देखना है। और भाई चार पांच बार करते करते आप देखिएगा आपका जो पत्थर में एक बार में गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपका लेफ्ट वाला जो व्हील है वो अगर टायर अगर पत्थर में चढ़ गया, दैट मीन्स आप धीरे धीरे करके आप प्रो आप बन रहे हैं अपने लेफ्ट साइड जजमेंट में। तो भाई यही कुछ आज की वीडियो थी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी हो आज की वीडियो और थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और भाई अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो काइंडली भाई प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही मेरे को प्लीज आप लोग प्यार दीजिएगा। इससे क्या होता है ना, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है रोज नई नई वीडियो बनाने में। टिल देन भाई अपना खूब ज्यादा ध्यान रखिएगा। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।